नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम लोग अभी खूंटी तमाड़ मुख्य पथ पर हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है। हालांकि इसके अलावा बात करें तो खूंटी शहरी क्षेत्र में जो सड़कें प्रवेश करती है उसके शहर में प्रवेश करने से पहले ही दूर में ही बैरिकेड किया गया। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि बैरिकेड क्यों किया गया है और ये कब तक रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर आप खूंटी शहरी क्षेत्रों से होकर पार होने वाले हैं या फिर इस क्षेत्र में आ रहे हैं, खूंटी आ रहे हैं, तो एक इस बात का ध्यान रखें कि खूंटी में जो है आज 2 बजे से बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। हालांकि छोटे वाहनों का भी, खूंटी जो मेन टाउन है वो भगत सिंह चौक से लेके नेताजी सुभाष चंद्र चौक को पार करना आपको मुश्किल होगा 2 बजे से, क्योंकि आज रामनवमी को लेकर जुलूस निकाली जाएगी, जिसके चलते इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है कि बड़े वाहन और छोटे वाहनों को भी उधर नहीं जाने दी जाएगी। हम अभी खूंटी तमाड़ मुख्य पथ पर हैं और यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है। हालांकि अभी जो 2 बजे से इस गाड़ी को यहाँ रोक दिया जाएगा, यहाँ से इस रोड में इस इधर से जो गाड़ी आएगी उसे यहीं रोक दी जाएगी और इसे शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि बात करें तो अगर आप रांची खूंटी मुख्य पथ पर रांची की ओर से अगर आ रहे हैं तो आपको बिरहू के पास रोक दिया जाएगा। बिरहू होके उधर बेलवा दाग होके एक कुंजला मोड़ निकाला है रोड, वहां से आप छोटे वाहन जो है उधर से निकल सकता है। इसलिए आप छोटे वाहन लेकर आ रहे हैं, चार चक्का है तो आप वहां से निकल सकते हैं। वही अगर दूसरी ओर बात करें तो खूंटी चाईबासा मुख्य पथ, इसकी बात करें तो चाईबासा की ओर से खूंटी या खूंटी होकर पार होने वाले वैसे वाहन सभी बड़े वाहनों को समाहरणालय के पास रोक दिया जाएगा और छोटे वाहनों को हालांकि इधर से जाने वालों को नीचे चौक यानी भगत सिंह चौक तक जाने का अनुमति जो है उसे मिलेगा और वहां वो तोरपा की ओर मुड़ सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो आप ऊपर चौक या फिर डीएबी रोड उस तरफ नहीं जा सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं तोरपा खूंटी मुख्य पथ, तोरपा खूंटी और सिमडेगा मुख्य पथ जो है, तोरपा रोड बोला जाता है उसे, तो तोरपा रोड अगर आप तोरपा की ओर से आ रहे हैं यानी सिमडेगा की ओर से अगर आ रहे हैं तो आपको कुंजला के पास रोक दिया जाएगा बड़े वाहनों को, और छोटे वाहन कुंजला के पास से एक बेलवा दाग होके बिरहू होके जो रांची चाईबासा मुख्य पथ पर जो सड़क मिलती है वहां आप छोटे वाहन अगर लेकर आए तो निकल सकते हैं, उधर से आप वहां जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ निर्देश है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, तो आप इस बातों को ध्यान रखें कि 2 बजे के बाद आप शहर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज रामनवमी को लेकर जुलूस निकाली जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और अलग अलग मंडलियों के द्वारा जो जुलूस निकाली जाएगी इसकी तैयारियां जोरों पर है, और अगर हम कहें कि तैयारियां पूरी कर भी ली गई है। इसके अलावा बात करें तो खूंटी शहरी क्षेत्रों में और खूंटी जिले के वैसे क्षेत्र जहां इस प्रकार से जुलूस का आयोजन किया जाता है, इस प्रकार से रामनवमी के मौके पर जो है आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, यानी शराब नहीं बिकेगी, क्योंकि आज रामनवमी है और लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे देखते हुए शराब को पूरी तरह से बंद किया गया है। आपने देखा होगा कि बीते साल जो है खूंटी में कुछ माहौल जो है कुछ असामाजिक तत्वों के चलते बिगड़ सा गया था, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, खूंटी वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर इस बार जिला प्रशासन की पूरी तैयारी कर ली गई है। और बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से जवानों की नियुक्ति की गई है, जवानों को लगाया गया है, उसके अलावे ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरे से खूंटी जिले के वैसे क्षेत्र जहां रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित की जाती है, और खासकर खूंटी शहरों में शहर के चप्पे चप्पे में जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों के पास अश्रु गैस का गोला होगा और रबर बुलेट होगा। इसके अलावा भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि माहौल बिगड़ने पर जवान सीधे निपट सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई है अभी खूंटी शहरी क्षेत्रों में और खूंटी जिले के वैसे क्षेत्र जहां श्री राम नवमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित की जाती है। हालांकि आज खूंटी में जो जुलूस आयोजित की जाएगी, यहाँ
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी आगमन होगा, वो भी इस रामनवमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो चलिए जैसे ही वो आते हैं और जुलूस खुटी में जब जुलूस निकलना प्रारंभ होगा, मैं फिर से आपसे फिर से अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और यहाँ जो कुछ होगा मैं वो आपको बताता रहूंगा। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खुटी जिले की खबरें।